होता है सुबह सुबह उठ के 5 बजे सूरज को उगते हुए देखने में जो मजा है ना, वो मुझे नहीं लेना। हम 10 बजे देख लेंगे, वैसे ही लगता है। हेलो एंड व्हाट्स अप मेरे भाई लोग, कैसे हो सारे, होकर तुम सब अच्छे होंगे। सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने नवंबर सीजन के क्लैन गेम्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि हम लोग को क्लैन गेम्स के मतलब ड्यूरेशन क्या होने वाले अपने नवंबर सीजन के, एंड गाइस हम लोग को क्या रिवॉर्ड मिलने वाले, एंड गाइस हम लोग के क्लैन गेम्स कब स्टार्ट होंगे, एंड गाइस कब खत्म होने वाले। सो गाइस कुल मिला के बात देगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। सो गाइस यार, हो सके तो उस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। एंड गाइस जो भी बंदा चैनल पर फर्स्ट टाइम है, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब वाले बटन आप स्क्रीन पर, उसको फटाफट से दबा दो। सो गाइस अब बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, बात करते हैं सब चीजों के बारे में। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि गाइस इस वीडियो में हम लोग जनरली अपने क्लैन गेम से रिलेटेड बात करेंगे कि हम लोग को नवंबर सीजन में क्या क्या रिवॉर्ड्स एंड गाइस क्या ड्यूरेशन मिलने वाली है अपने क्लैन गेम्स की। सो गाइस हम लोग इस वीडियो में जनरली पॉइंट वाइज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग को मतलब ड्यूरेशन क्या होने वाली है हम लोग के नवंबर सीजन के क्लैन गेम की, एंड गाइस रिवॉर्ड क्या होने वाला है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस जो अपना ड्यूरेशन होने वाला है अपने क्लैन गेम्स का, वो 6 डेज का होने वाला है। मतलब जो अपना क्लैन गेम्स है वो 22 नवंबर को स्टार्ट होगा एंड 28 नवंबर तक चलेगा। मतलब ड्यूरेशन अपने 6 डेज की होने वाली है, एंड गाइस हम लोग का जो क्लैन गेम है वो 6 दिन तक चलने वाला है। सो गाइस ये हो गया हम लोग की ड्यूरेशन। सो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पॉइंट्स से रिलेटेड कि गाइस हम लोग के क्लैन गेम्स में क्या क्या पॉइंट्स का सिस्टम होने वाला है, एंड गाइस हम लोग का जो पूरा क्लैन है वो कितने पॉइंट्स कर सकता है मिला के, एंड गाइस एक बंदा कितना कर सकता है क्लैन में गेम पॉइंट्स। सो गाइस हम लोग का जो क्लैन गेम्स का पॉइंट्स होने वाला है मैक्स, मतलब पूरे क्लैंस मिलके कर सकता है 50,000 पॉइंट, एंड गाइस हम लोग को सेम इसमें 6 टायर मिलने वाली है। एंड गाइस जो एक पर्सन होने वाला, मतलब एक बंदा होने वाला क्लैन का, वो गाइस कर सकता है 4,000 पॉइंट कम्प्लीट। सो गाइस ये हो गया हम लोग के पॉइंट्स के बारे में। सो गाइस जो अपनी लास्ट एंड मेन चीज़ बचती है जिसके लिए सभी बंदे एक्साइटेड, एंड गाइस क्लैन गेम्स में सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बंदे एक्साइटेड होते हैं, मतलब अपना क्लैन गेम्स का रिवॉर्ड। सो गाइस अभी हम लोग क्लैन गेम्स का रिवॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस जो मैं आप लोग के लिए क्लैन गेम्स का रिवॉर्ड लेके आया हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो अपना क्लैन गेम्स होने वाला है नवंबर सीजन का, उसमें गाइस हम लोग को 6 टायर मिलने वाली है। सो टायर के बारे में मतलब बात कर लेते हैं। सो गाइस जो अपनी पहली टायर होने वाली होगी, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को करने पड़ेंगे 3,000 पॉइंट कंप्लीट, एंड गाइस इसमें रिवॉर्ड हम लोग को मिलेगा 20% गोल्ड, या फिर 20% डार्क लिक्जर, या फिर 20% एलेक्सर, या एंड गाइस 20 जेम्स। एंड गाइस जो अपनी सेकंड टायर होने वाली गाइस, उसको हम लोग को कंप्लीट करने के लिए करने पड़ेंगे 7,500 पॉइंट कंप्लीट, एंड गाइस इसमें हम लोग को मिलेगा 30% गोल्ड या फिर 30% डार्क लिक्जर, एंड गाइस इसमें हम लोग को मिलेगा रिसोर्स पोशन एंड 2 ट्रेनिंग पोशन। एंड गाइस जो अपनी थर्ड टायर होने वाली गाइस, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को करने पड़ेंगे 12,000 पॉइंट कंप्लीट, एंड गाइस इसमें रिवॉर्ड मिलेगा हम लोग को 50% गोल्ड, एंड गाइस 50% एलेक्सर, या फिर 50% डार्क लिक्जर, एंड गाइस 40 जेम्स। एंड गाइस जो अपनी फोर्थ टायर होने वाली गाइस, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को करने पड़ेंगे 18,000 पॉइंट कंप्लीट, एंड गाइस इसमें हम लोग को मिलेगा 3 रिसोर्स पोशन, 2 बिल्डर पोशन, एंड गाइस 3 पावर पोशन। एंड गाइस जो अपनी फिफ्थ टायर होने वाली गाइस, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को करने पड़ेंगे 30,000 पॉइंट कंप्लीट, एंड गाइस इसमें हम लोग को मिलेगा बुक ऑफ फाइटिंग, 5 ट्रेनिंग पोशन, 80% एलेक्सर। एंड गाइस जो अपनी सिक्स टायर होने वाली गाइस, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 50,000 पॉइंट कंप्लीट करने पड़ेंगे, एंड गाइस इसमें हम लोग को मिलेगा बुक ऑफ स्पेल्स, एंड गाइस 5 रिसोर्स पोशन एंड 10 बोल रिंग्स। सो गाइस ये हो गया हम लोग का रिवॉर्ड, एंड गाइस इसमें हम लोग को सभी मतलब जो अपनी टायर होने वाली, इस टायर के हिसाब से हम लोग को इसमें क्लैन पर्क्स भी मिलेंगे। सो गाइस जो अपना पहले टायर होने वाली गाइस कंप्लीट होने के बाद हम लोग को मिलेंगे 20 पर्क्स, एंड गाइस जो अपनी सेकंड होने वाली, उसमें गाइस हम लोग को 40 पर्क्स, एंड थर्ड में 60, मतलब फोर्थ में 80, एंड फिफ्थ में 100, एंड सिक्स्थ में 120। सो गाइस ये हो गया हम लोग का। सो गाइस जो हम लोग का रिवॉर्ड है गाइस, वो मैं आप लोग को बता दूं कि गाइस अभी 100% कंफर्म है कि गाइस यही रिवॉर्ड आने वाला है अपने नवंबर सीजन में। बट गाइस आप लोग क्लैश ऑफ क्लैंस वालों को जानते हो कि हर बार की तरह मतलब 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले अपने क्लैन गेम्स का रिवॉर्ड जो है चेंज कर देते हैं, एंड गाइस भुगतना पड़ता है हम लोगों को। एंड गाइस आप लोग बोलते हो कि भाई क्लैन गेम्स का ये रिवॉर्ड नहीं आया। सो गाइस ऐसा अगर कुछ भी मतलब होता है ना, सो गाइस मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब या फिर जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है मेन अपना, मतलब मेरा ही अकाउंट है, सो वहाँ पे आप लोग को फॉलो करना है फटाफट से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एंड गाइस वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, सो गाइस कर लेना। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी जिसके बारे में हम लोग ने मतलब अच्छी तरीके से बात की है। सो गाइस होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई, अगर मतलब जरा सी पसंद आई हो ना गाइस, तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, जो बंदा चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड खेलते रहो अपना क्लैश ऑफ क्लैंस।